नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा यादव। तो हमारा खास कार्यक्रम नेताओं के फेक फॉलोअर्स, यानी कि आप देख रहे हैं, और राजनेताओं की लोकप्रियता का एक आधार सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद नेताओं के तमाम फॉलोअर्स के फेक होने की बात सामने आई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं के 60% से ज्यादा फॉलोअर्स फेक होने की बात सामने आई है। क्या आप भी हैं पीएम नरेंद्र मोदी के फॉलोअर? ट्विटर पर मौजूद नेताओं के तमाम फॉलोअर्स फेक, दिग्गज नेताओं के 60% से ज्यादा फॉलोअर फेक, क्या है ऑडिट रिपोर्ट का सच? राजनेताओं की लोकप्रियता का एक आधार सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग को भी माना जाता है। ट्विटर पर मौजूद नेताओं के तमाम फॉलोअर्स फेक फॉलोअर हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं के 60% से ज्यादा फॉलोअर फेक होने की बात सामने आई है। ट्विटर ऑडिट की सहायता से ये पता लगा है कि देश के शीर्ष नेताओं के कितने ट्विटर फॉलोअर फेक हैं। कई महीने पहले ऑडिट किए गए अकाउंट्स में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 61,15,000 फॉलोअर हैं, जिनमें से 69% फेक हैं। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाले अमित शाह के 67% फॉलोअर्स फेक हैं। सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहने वाले कांग्रेस लीडर शशि थरूर के भी 62% फॉलोअर फेक हैं। ट्विटर ऑडिट के अनुसार राहुल गांधी के 6.15 मिलियन यानी कि 61,50,000 फॉलोअर हैं, जिनमें से 69% फेक हैं। अमित शाह के 10.1 मिलियन यानी कि 1,01,00,000 फॉलोअर हैं, जिनमें से 67% फेक हैं। शशि थरूर के 6.55 मिलियन यानी कि 65,50,000 फॉलोअर हैं, जिनमें से 62% फेक हैं। अरविंद केजरीवाल के 13.5 मिलियन यानी कि 1,35,00,000 फॉलोअर हैं, जिनमें से 51% फेक हैं। रजनीकांत के 4.58 मिलियन यानी 45,80,000 फॉलोअर हैं, जिनमें से 26% फेक हैं। तो ये तो बात हुई फेक फॉलोअर्स की। अब आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है ट्विटर ऑडिट। कैसे काम करता है ट्विटर ऑडिट? फेक फॉलोअर्स का पता लगाने वाला ट्विटर ऑडिट, जिसकी वेबसाइट के मुताबिक इस टूल के जरिए 5,000 फॉलोअर्स का सैंपल लिया जाता है और उनके ट्वीट्स, फॉलोअर्स, म्यूचुअल फॉलोअर्स और अन्य पैरामीटर्स के आधार पर आकलन किया जाता है। इससे पता चलता है कि कितने ट्विटर फॉलोअर फेक हैं और कितने वास्तविक। हालांकि ये एकदम सटीक तरीका नहीं है, लेकिन काफी हद तक इससे हकीकत का पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्विटर पर फेक फॉलोअर्स का मामला अकेले भारत में ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे तमाम हस्तियां हैं जिनके फॉलोअर्स फेक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हस्तियों के फेक फॉलोअर्स, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस के भी 48% ट्विटर फॉलोअर्स फेक हैं। हिलेरी क्लिंटन के 31% ट्विटर फॉलोअर्स फेक हैं और डोनाल्ड ट्रंप के 26% फॉलोअर्स फेक हैं। दुनिया की सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सोशल मीडिया की रणनीति बनाने में मदद करने वाली संस्था डिप्लोमेसी की रिपोर्ट में पिछले महीने दुनिया भर के नेताओं, धर्म गुरुओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक के फेक फॉलोअर्स की जानकारी पब्लिक की गई। इसमें सबसे अहम बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में फेक फॉलोअर्स के मामले में नंबर 1 पर आते हैं। अब गौर करने का विषय यह है कि सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नेताओं का अकाउंट अगर फेक अकाउंट्स के फॉलो हो रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म किस काम का? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।